जय हिंद दोस्तों, मैं जतिन चौधरी आज फिर आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। और आज मैंने एक ऐसा लेक्चर उठाया है जिसकी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर क्वेश्चन सीरीज लेकर आइए, क्वेश्चन कराइए हमारे लिए। तो बच्चों आपका इंतजार अब खत्म हुआ, अब हमने आपके लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल। जी हाँ, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? जी हाँ, दिन और हमारी रात कहाँ पर बराबर होते हैं? देखिए कहाँ पर होते हैं, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड एट द पोल। जी हाँ, इसका आंसर आप कमेंट्स में बता देना, आंसर में बताऊंगा, आप देखते चलना, कैसा आंसर होता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जी नहीं। कैसा आंसर होता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? जी नहीं। कैसा आंसर होता है इक्वेटर या एट द पोल? इसका आंसर होता है मेरे भाई इक्वेटर पर, एट द पोल्स पर नहीं। आपको ये मैं बताऊं, जैसे हमारे दिन और रात कहां पर एकदम बराबर होते हैं, कहां पर बराबर होते हैं? जब इक्वेटर पर सुई आती है, जब इक्वेटर पर आती है तो हमारे हमारे दिन और रात, बिल्कुल बराबर होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन में भी अभी जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें ही क्वेश्चन बना था, जो अभी एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें ही क्वेश्चन बना था। मैं ये आपको समझाता हूँ, देखिए ये होता है हमारा, अर्थ, ये होता है देखिए ये। जी हाँ, ये इसमें दो लाइंस होती हैं, ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। जी हाँ, ये होती है लॉन्गिट्यूड और ये होती है हमारी लैटिट्यूड, ये होती है हमारी लैटिट्यूड। अब इसमें इसने ये पूछा है, ये दो लैटिट्यूड, जी हाँ ये दो लैटिट्यूड, इनके बीच की, दूरी कितनी होती है? जैसे ये दो लैटिट्यूड है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये दो लैटिट्यूड है, इनके बीच में, कितनी दूरी होती है? यही आपके क्वेश्चन ने पूछा है, मैंने आपको समझा दिया है। यही आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच में कितनी दूरी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए कैसा आंसर, 107 किलोमीटर होगा, 111 किलोमीटर होगा, 115 किलोमीटर होगा, 121 किलोमीटर होगा? मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। देखिए 107 किलोमीटर बिल्कुल नहीं होगा, 115 किलोमीटर बिल्कुल नहीं होगा, 121 किलोमीटर नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया। इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसका आंसर होगा हमारा 111 किलोमीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन डाले हैं, हर तरीके के क्वेश्चन डालूंगा और पांच क्वेश्चन की सीरीज। जो बच्चा लास्ट तक करता चला गया, जो बच्चा एयरफोर्स के एग्जाम तक करता चला गया, मेरे भाई उस चीज का दावा कर सकता हूँ क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे, बस आप लगातार मेरे साथ यही बने रहना। देखिए जापान करेंसी क्या होती है, ये मैंने आपको कराई है, बट मैं आपको अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, ये मैंने करा दिया आपको रिविजन के लिए, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। कैसे आंसर, ये है डॉलर है, यूआन है, ये क्या आप है? जी हाँ, ये देखिए आप इसका आंसर नहीं, ये बताइए यूआन किसकी होती है? यूआन मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कराई थी और कई आपको मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट स्टार लगवाया था, ये दो आप बताइए इसका आंसर, इसका सही आंसर होता है मेरे भाई ये जापान की करेंसी होती है येन, और डॉलर तो हमारे अमेरिका की है, बहुत सारे कंट्री की डॉलर होती है। अब देखिए युआन किसकी होती है, ये मैंने आपको कई बार बताई है, युआन होती है मेरे भाई, युआन होती है हमारे चाइना की, किसकी? चाइना की। और चाइना की राजधानी क्या है, चाइना कैपिटल क्या, चाइना की कैपिटल है मेरे भाई बीजिंग, क्या बीजिंग। नेक्स्ट देखिए कयात, कयात हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये होती है हमारी म्यांमार की। यहाँ का किसकी होती है, म्यांमार की, और म्यांमार की कैपिटल क्या होती है, म्यांमार की कैपिटल होती है नेपिटा, क्या होती है नेपिटा। और देखिए मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये देखिए एक क्वेश्चन में मैंने मैंने कितने कवर कराए हैं, मैंने युआन भी कवर कराया, कयास भी कवर कराया और येन तो मैंने कराया ही है। और ये बता दीजिए जापान की राजधानी क्या होती है, जापान की राजधानी क्या होती है मेरे भाई, जापान की राजधानी होती है, टोक्यो, यहाँ टोक्यो, होती है हमारी जापान की राजधानी। और ये बताइए हमारे जो 2021 के ओलंपिक होने वाले थे, 2021 के जो ओलंपिक होने वाले थे ये कहां पर होने वाले थे मेरे भाई, ये टोक्यो में ही होने वाले थे, टोक्यो, जी हाँ कहां पर, टोक्यो। ये किसकी राजधानी है, ये जापान की राजधानी है। और ये बताइए आप भी कमेंट में बताना 2024 के, हमारे
2024 के ओलंपिक कहां पर होंगे? 2024 के ओलंपिक हमारे मेरे भाई पेरिस में होंगे। कहां पर? पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है मेरे भाई? पेरिस है हमारी राजधानी फ्रांस की। किसकी मेरे भाई? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इस चीज को बिल्कुल आप याद रखना। 2024 के ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं अलग से एडिशनल करा रहा हूँ उसे अपनी गोभी में नोट करते चलना, जो मैं करा रहा हूँ नोट करते चलना। ये सब वही क्वेश्चन है, एग्जाम और ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। अरे मेरे भाई हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया। हर जगह से क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आ गया कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन हमारा कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था, ये भी बताएंगे आप, और किस डेट को हुआ था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा कब स्टार्ट हुआ था, क्या 1919 में हुआ था? जी नहीं। 1921 में? जी नहीं। 1922 में? जी नहीं। हमारा असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसकी डेट थी, इसकी डेट थी 5 सितंबर। जी हाँ, 5 सितंबर 5 सितंबर 1920 में ये हमारे गांधी जी ने, जी हाँ महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्या बच्चों ये पूरा हो पाया था, ये बताना आपको कमेंट में, ये क्या पूरा हो पाया था? जी नहीं, ये पूरा नहीं हो पाया था। चोरी चोरा आंदोलन आपको पता होगा, उसी टाइम ये खत्म कर दिया गया था। इस आंदोलन का मकसद था कि हम अंग्रेजों को किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, हम उनसे बिल्कुल अलग रहेंगे, बट हम इसमें कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। बट चोरी चोरा आंदोलन, इसमें एक जगह झगड़ा हो गया था, इसमें एक जगह झगड़ा हो गया था। इसी मैं पूरी आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, बट आप अभी हम क्वेश्चन को आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, मतलब हमारा जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है मेरे भाई, आप बताना। इसका आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा यूथ ड्रग की तरफ एडिक्ट होता जा रहा है। 15 से 20 साल का जो हमारा जवान होता है, जो हमारा यूथ होता है, ये हमारा सारा ड्रग्स की तरफ एडिक्ट होता जा रहा है। तो इसीलिए एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और देखिए इसका आंसर बताना, अब जब बच्चे का किसी भी हेडक्वार्टर आता है, कोई भी चीज लोकेट आती है, बच्चे का आंसर एकदम जाता है दिल्ली। और इसका आंसर मेरे भाई दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैसूर आता है बच्चों का आंसर, मेरे भाई मैसूर भी नहीं है। अब ये बताइए बेंगलोर में किस चीज का हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में किस चीज का हेडक्वार्टर है, ये आप बताइए मुझे कमेंट में कि बेंगलोर में किस चीज का हेडक्वार्टर है मेरे भाई। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बेंगलोर का हेडक्वार्टर मैं भी आपको बोल रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा लखनऊ, इसका सही आंसर होगा मेरे भाई लखनऊ। और लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ को जाना जाता है नवाबों की नगरी, किससे? नवाबों की नगरी मेरे भाई, किस नाम से जाना जाता है? नवाबों की नगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नीचे मैं बताता हूँ इसका हेडक्वार्टर है, किस चीज का हेडक्वार्टर है मेरे भाई, ये इसरो का हेडक्वार्टर है। और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है। और मेरे भाई ये हमारे 5 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ये सीरीज आपकी एग्जाम तक अब कंटिन्यू चलने वाली है। और इसमें 5-5 क्वेश्चन करके और सभी वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन में मैं 4-4 जगह खोल के बताता हूँ, एक क्वेश्चन का मतलब लगा लीजिए मिनिमम 15 क्वेश्चन आपके एक क्लास में कवर हो रहे हैं। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे भाई जीतेगा वही जो अंतिम दिन तक की लड़ाई हमारे साथ लड़ेगा, जो अंतिम दिन तक हमारे साथ टिकेगा वो इस लड़ाई को जीतेगा। और देखिए 5-5 क्वेश्चन लगा करा के मैं ढेर लगा दूंगा क्वेश्चन का। और देखिए बच्चों का आपको कंटिन्यू प्रयास तो करना होगा, लगातार प्रयास तो करना होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा किसी भी जीत के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। तैयारी रावण जैसी
और धैर्य से विराम जैसा लेकर चलोगे तो एग्जाम को आप तोड़ कर छोड़ोगे, एग्जाम को आप तोड़ कर छोड़ोगे मेरे भाई। बस यूं ही क्लास को शेयर करते चलो, यूं ही अपना प्यार बनाते चलो, और बहुत जल्दी आपकी बहुत और क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। और आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो शाम वाली देखना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।